जयराम साहब पर। ये देखो हेलीकॉप्टर, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ मन थकते हारते हुए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश व्लॉग में। तो आज आ रहे हैं हमारे सीएम साहब, और मेरे दादा को भी ऊपर जाना है हेलीपैड, तो उनके साथ जाना पड़ेगा। मतलब उन्होंने बोला मेरे को कि भाई मेरे को पहुंचा के आ जा, तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं भी। तो चलो आपको हेलीपैड दिखाते हैं और सीएम साहब को भी दिखाते हैं, और मिलते हैं आपको सीधा हेलीपैड में या फिर रास्ते में मिलते हैं। यहाँ पे घास सूख रहा है, वहाँ पे दीदी और अम्मा बैठे हुए हैं, और मौसम भी बड़ा सही है, धूप खिली हुई है खतरनाक वाली, और बाइक तो अंशु लेके गए, तो पता नहीं बाइक होगी या फिर मासी की स्कूटी लेके जाएंगे, वो भी ऊपर जाके लेगा, पता देखते हैं क्या मिलता है क्या बनता है। और पहुंच गए हम दुकान में, यहाँ पे दादी बैठे हुए हैं। जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर रहता है, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। जहाज पे ना इनका जहाज पे, आज ले जो मिट्टी का घर था उसको खाड़ रहे हैं, इसके बाद लेंटर बनाएंगे शायद, इसलिए काम लगा हुआ है। हाँ सक्षम, आज आप मेरे को भी बिना बैग के देख रहे होंगे पहली बार, क्योंकि मेरे को अपना कोई काम ही नहीं है, दादा ने बोला तभी ज़्यादा, तो बहाना जैसे ही हो गया। और पेपर भी चले हुए हैं, तीन हो गए हैं, पांच बचे हुए हैं, उनकी भी दिक्कत है अभी। और होटल ही बंद है, दुकान बंद है, पापा वहीं जो काम लगे नीचे गांव में वहीं गए हुए हैं हेल्प करवाने। तो अब देखते हैं साहिल भाई की बाइक लेके जाएंगे शायद से। और ये रश देखो, आज सारे ऊपर हेलीपैड ही जा रहे हैं, क्या बोलते प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का स्वागत करने। देखो बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, देखो ठीक ठाक तैयारियां हो गई हैं, आगे जाने नहीं दे रहे, और गाड़ियां भी ठीक ठाक लगी हुई हैं। यहाँ पे बसें इतनी भर भर के आई हैं पूरे चंबा से, पूरे चंबा नहीं हिमाचल से ही आई हैं, क्योंकि सीएम है ना। तो फिर बड़ी सारी गाड़ियां हैं सीएम साहब के साथ। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो ऊपर बाइक के जाने नहीं दे रहे हैं, पैदल जाना पड़ रहा है मैं और नैन्सी के साथ में। देखो बाकी लोग भी चले हुए हैं, तो इसको छोड़ के आऊँगा इसके नाना के पास, और फिर मैं आ जाऊँगा वापस। तो बाइक के तो नीचे कॉलोनी में लगाई है, वहाँ से ऊपर आने नहीं दे रहे हैं। तो हवा बड़ी तेज़ चली है, और हम चले हैं हेलीपैड की तरफ, क्योंकि नैन्सी को हेलीकॉप्टर देखना है, मेरे को भी देखना है, मैंने भी नहीं देखा कभी नैन्सी साथ में। ये हेलीपैड का रास्ता ठीक ठाक बना दिया इन्होंने, दो तीन दिन में ही खूब तरक्की कर दी। जो ये जा रहे सीएम बाजार की तरफ प्रोग्राम में, जहाँ पे और पहुँच गए हम तीसा में हेलीपैड में, वो खड़ा है सीएम साहब का हेलीकॉप्टर। यहाँ पे फायर वाली गाड़ी भी खड़ी है, और व्यू तो आपको पहले भी दिखाया हुआ है हेलीपैड का, बढ़िया दिखता है बड़ा। ये देखो हेलीकॉप्टर, मैं तो पहली बार ही देखा है, बड़ा बहुत बड़ा दिखता है ना पास से। कैसा लगा नैन्सी हेलीकॉप्टर? बहुत अच्छा लगा। नैन्सी को बड़ा अच्छा लगा हेलीकॉप्टर, मेरे को भी लगा। अब जाते हैं प्रोग्राम की तरफ, मैं तुम देखना इसको छोड़ना सिर्फ दादा के पास, फिर मैं वापस आ जाऊंगा घर को। और देखो कितने लोग हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो इतने तो छिंज मेले में भी नहीं होते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड बन रहा है हमारा तीसा का, जो है कुछ महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। देखो कितने फूल गिराए हुए हैं स्वागत में। और पहुंच गया हम ग्राउंड में, और लोग इतने ज़्यादा है ना, और दोस्त भी आगे पीछे से आवाज़ मारते थे, कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। देखो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे,
ओहो शांति बनाए रखे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ विराजमान हमारे माननीय लोकसभा सांसद श्री कृष्ण कपूर जी, माननीय विधानसभा सभापति हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हंस राज जी, सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हंस राज, चुरा द्वारा हनुमान जी की कथा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित किया जा रहा है। सेवा देने लग रहा जरूरी आज के इस प्रवास में बसा में नो बचा मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि जिला परिषद के तीनों सदस्य विकास खंड के हमारे सम्माननीय चेयरमैन कौशल्या जी और हेल्थ केयर जैसी योजनाएं दे करके लोगों को गौरवान्वित महसूस किया है। ये देखो गाड़ियां किन हर कुछ एंडेवर स्कॉर्पियो मैं चल पड़ा अब घर को मजा नहीं आ रहा है ऊपर रश भी बड़ा है और जगह भी नहीं है तो ऊपर कुछ फायदा नहीं है बैठ के वेले थकान लगेगी ऊपर से और इसको पेपर भी है तो उसकी तैयारी करेंगे घर जाके। यहाँ भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं आज यहाँ ऊपर गाड़ियाँ आने नहीं दी ना चला हूँ मैं रोड पे थकते हारते हुए इतनी तेज धूप में पर लाने दी थी उन्होंने बाइक तो बड़ी दिक्कत थी पर कोई नहीं क्या कर सकते अब जाना तो पड़ेगा नहीं तो पैदल भी रास्ता पैदल तो मैं चल जाना था नीचे पर फिर बाइक फंस जानी थी लेके आया हूँ लाड़ी नीचे थी आज पर ले आए हैं तो उसको घर वापस लेके जाना पड़ेगा। तो ये है रोड हमारे तीसा की इतने दिन इस टाइम तक बादल आ जाते थे आसमान में आज बादल भी नहीं आ रहे बादलों को भी पता है कि आज नहीं आना है। चलो कोई नहीं मिलते आपसे सीधे घर में तो आ गया मैं घर को और अब घर जाके आराम करेंगे थोड़ा परसों पेपर भी है उसकी भी तैयारी करनी है। चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और होप करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं इसी तरह एक और नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।